साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के पकड़िया पहाड़ पर शनिवार को एक पति व पत्नी का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार पति पत्नी को कुछ अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर दोनों की दर्दनाक हत्या कर दी है। वहीं मृतक पति पत्नी के बेटे बुद्धनाथ पहाड़िया व गांव के प्रधान मेसा पहाड़िया ने इस घटना की सूचना तालझारी थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर राजमहल से डीपीओ अरविंद कुमार सिंह, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एएसआई राकेश कुमार सहित अन्य पुलिस बल पकड़िया पहाड़ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। बता दें कि इस दर्दनाक हत्या की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल भेज दिए। इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सभी पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंची है। छानबीन के दौरान मालूम हुआ कि पकड़िया पहाड़ के खेत से एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पति पत्नी है। हत्या का कारण अब तक मालूम नहीं हो पाया है। घटना की छानबीन जारी है। इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, पुलिस गहन छानबीन में जुटी है। जल्द ही दोषियों को पुलिस गिरफ्तार करने का कार्य करेगी। तालझारी थाना अंतर्गत पकड़िया पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़िया लोग निवास करते हैं। सुरजा पहाड़िया जो अपना बगान का गोदी कर रहा था, मक्के की और बाजरा की खेती का, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई रात में। सुबह में प्रधान और उसके पुत्र द्वारा खबर किया गया। पुलिस पार्टी आई है, छानबीन कर रही है। इसकी हत्या पत्थर से सर को कुचल कर किया गया है। किसने किया है अभी तक पता नहीं चला है। इस संबंध में आवश्यक छानबीन की जा रही है।